नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल नेवरी सर पर स्वागत है। कल का चैलेंज क्वेश्चन था काजरी, और काजरी जो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, काजरी से पहले दोस्तों 1952 के अंदर मरुवनीकरण केंद्र खुला और 1957 के अंदर मरुवनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र खुला। मरुवनीकरण केंद्र मरुवनीकरण मृदा संरक्षण केंद्र की सफलता के बाद में यूनेस्को की सिफारिश पर 1959 के अंदर काजरी की स्थापना आपके जिले जोधपुर में की जाती है। काजरी चूंकि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है, तो इसका कैचमेंट एरिया अकेला राजस्थान नहीं है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना में उष्ण व शुष्क मरुस्थल हैं, जबकि हिमाचल व जम्मू कश्मीर में शीत और शुष्क मरुस्थल हैं। इसके अपने भारत में 5 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हैं, जिनमें से 3 अपने राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर, पाली, और 1 जम्मू में लेह और 1 भुज, गुजरात में। यह अनुसंधान संस्थान कृषि क्षेत्र के साथ साथ मरुस्थल क्षेत्र के साथ साथ वनस्पति की संभावनाओं को भी तलाश रहा है। इस अनुसंधान संस्थान के 3 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 1 केंद्र जोधपुर में, 1 पाली में और 1 भुज में है। यह अनुसंधान संस्थान वैश्विक स्तर पर मरुस्थलीकरण में किस प्रकार से संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं, इनका निरंतर प्रयास कर रहा है, और इसका सही जवाब पूजा बिश्नोई ने दिया। धन्यवाद। तो चैलेंज क्वेश्चन को सबसे पहले बताने के लिए एक बार फिर पूजा बिश्नोई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप विनर रहे अपने कल के, देखते हैं आज का विनर कौन होता है। तो दोस्तों चलते हैं अपन आगे। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में अपन लोग शुष्क प्रदेश की चर्चा कर चुके हैं, और शुष्क प्रदेश के बाद में इस मरुस्थल के अंदर ये पहला भौतिक प्रदेश, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, जिसका नाम अपन ने उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश दिया। उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश के अपन ने 2 पार्ट किए, 1 शुष्क और दूसरा अर्ध शुष्क। शुष्क जो भौतिक प्रदेश है, इसमें 2 पार्ट थे, बालू का स्तूप प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त, और अर्ध शुष्क के अंदर अपन 4 पार्ट देखे। अर्ध शुष्क प्रदेश में एक प्रश्न तो ये बना ले, ये किस किस के बीच में है। मैं रोज इसकी चर्चा कर रहा हूं पिछले 3 दिन से, 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर के बीच में जो भौतिक प्रदेश है वर्षा रेखा के बीच में, वो आपका अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क में कितने भाग, नंबर 1, 2, 3 और 4। 1 नंबर, 2, 3 और 4। नंबर 1 पे अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश में दोस्तों जो आता है, वो अर्ध शुष्क में 1 नंबर पे आता है घग्गर बेसिन। अर्ध शुष्क का जो पहला है वो है घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन के बाद में नंबर 2 पे अगर अपन चर्चा करें तो आता है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश, और शेखावाटी प्रदेश को ही कहा जाता है आंतरिक प्रवाह क्षेत्र या फिर अंतर प्रवाह क्षेत्र। नंबर 3 पे दोस्तों आता है नागौरी उच्च भूमि, और नंबर 4 पे जो आ जाएगा आपका वो रहेगा लूनी बेसिन। तो अर्ध शुष्क जो प्रदेश है, इस अर्ध शुष्क प्रदेश के पार्ट कितने हो गए, 4। अब कई बार प्रश्न क्या आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन एक अर्ध शुष्क का हिस्सा नहीं है। तो अर्ध शुष्क का हिस्सा 4 है, घग्गर बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि या उच्च प्रदेश और लूनी बेसिन। यहां एक विकल्प शेखावाटी वाले को हटा के लिख दिया जाएगा चंबल बेसिन। अब घग्गर बेसिन भी अर्ध शुष्क में है,
लूनी बेसिन भी अर्ध शुष्क में है, नागौरी उच्च भूमि भी अर्ध शुष्क में है, लेकिन चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन वो अर्ध शुष्क के हिस्से नहीं हो। एक एक अपन चर्चा कर लेंगे। अर्ध शुष्क के अंदर जो पहला पार्ट है घग्गर बेसिन, प्रश्न बने कि घग्गर बेसिन किन जिलों में फैला हुआ है या किन जिलों में विस्तृत, तो अपना उत्तर आएगा घग्गर बेसिन दो जिलों, एक श्री गंगानगर में और दूसरा हनुमानगढ़। यानी घग्गर बेसिन कौन से दो जिलों में है, एक गंगानगर में और दूसरा हनुमानगढ़। अब गंगानगर हनुमानगढ़ में जो घग्गर बेसिन फैला हुआ है, इस घग्गर नदी वाले पार्ट को अपन विस्तृत रूप में अपवाद तंत्र में पढ़ेंगे। घग्गर नदी पूरी के, घग्गर नदी कहां से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में कालका क्षेत्र से निकल के आती है और फिर अपने राजस्थान में बहने के बाद में पाकिस्तान में भी चली जाती है। अपने राजस्थान वाला जो क्षेत्र है हनुमानगढ़ और गंगानगर, ये क्षेत्र कहलाता है नाली प्रदेश। यानी घग्गर नदी का अपने राजस्थान में जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है नाली प्रदेश। अब नाली प्रदेश तो है, और इससे क्या प्रश्न बने, और इससे प्रश्न बना ये वाला जो प्रदेश है ये राजस्थान का सबसे उपजाऊ प्रदेश है। स्पेशल जरा गौर करना, अब उपजाऊ प्रदेश का मतलब यहां अनाज की अधिकता है, और अनाज की अधिकता है उसी लिए, अकेले घग्गर बेसिन की बात कर रहा हूं मैं, अर्ध शुष्क प्रदेश की नहीं, अनाज की उपजाऊपन यहां अधिक है, अनाज बहुत ज्यादा उत्पादित होता है, इसलिए इस बेसिन को पूरे पूरे कहा जाता है राजस्थान का अन्न का कटोरा, राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर आएगा घग्गर बेसिन को। और अगर आपसे एक जिला पूछ लिया जाए कि राजस्थान का अन्न का कटोरा या राजस्थान का धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर आएगा घग्गर बेसिन में कौन सा जिला, श्रीगंगानगर। एक ही बात याद रखना, घग्गर बेसिन दो जिलों में, उपजाऊ प्रदेश है, नाली प्रदेश कहलाता है, और धान का कटोरा किसे कहा जाता है, यह आपके श्रीगंगानगर जिले को कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है शेखावाटी प्रदेश, या जिसे कह सकते हैं आंतरिक अपवाह का क्षेत्र। अब शेखावाटी प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, शेखावाटी प्रदेश के अंदर मित्रों यहाँ पे जो जिले आने वाले हैं ये आएंगे सीकर, चुरू और झुंझुनू। यहां से चुरू आ गए, चुरू से नीचे झुंझुनू आ गए, झुंझुनू से नीचे सीकर। अब एक विशेष प्रश्न मैं आपको यहां बता दे, नागौर के अंदर डिडवाना भी आता है, नागौर में डेगाना भी आता है, नागौर के अंदर कुचामा भी आता है। अगर अपन पॉलिटिकल व्यू से देखते हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, तो ये नागौर के अंदर ही है। शेखावाटी में तीन जिले पड़ते हैं अपन, शेखावाटी में सीकर पड़ते हैं, चुरू पड़ते हैं, झुंझुनू पड़ते हैं। लेकिन विशेष प्रश्न यहां ये बन जाएगा कि डेगाना, कुचामन, डिडवाना, ये जो रण क्षेत्र है, रण जो क्षेत्र है, ये रण क्षेत्र डेगाना, डीडवाना, कुचामन, ये कौन से भौतिक प्रदेश में आते हैं, ये शेखावाटी के अंदर। अब इसे अंतर प्रवाह का क्षेत्र क्यों कहा गया, यहां पे राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी अंतर प्रवाह की, जिसे कहा जाता है कांतली, ये कांतली नदी का क्षेत्र है। कांतली नदी वो ही जो नदियों में पढ़ेंगे अपन कि खंडेला से निकल के आती है, मंडेला तक जाती है, खंडेला से मंडेला तक, कौन सी नदी, कांतली नदी। उस कांतली नदी का ये क्षेत्र है, और उसी कांतली नदी के क्षेत्र के कारण इस क्षेत्र को आंतरिक अपवाह का क्षेत्र कहा जाता है। यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, एक प्रश्न बन सकता है यहां से बीड भूमि। अब बीड क्या है, बीड के साथ एक शब्द और भी आता है दोस्तों, बीहड़। बीहड़ क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, बीहड़ है चंबल नदी के द्वारा बनाई गई जो उत्खात स्थला करती है उसे बीहड़ कहा जाता है, और यह बीड। बीड का मतलब शेखावाटी प्रदेश के अंदर जो घास भूमि है, इस घास भूमि को क्या कहा जाता है, बीड कहा जाता है। शेखावाटी प्रदेश में जो घास भूमि है, इस घास भूमि को क्या कहा जाता है, बीड कहा जाता है। फिर आगे चले तो, आगे चले तो यहां एक शब्द और आता है जोहड़। अब जोहड़ क्या है, बीएसटीसी एग्जाम 2009 में एक प्रश्न आया था, 10-11 साल पहले, वो मेरे इसलिए याद है क्योंकि मैंने 2008 में जैसे 12वीं क्लास पास की तो मैं भी बीएसटी से एग्जाम देने गया। उस एग्जाम में प्रश्न आया था कि शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुओं को क्या कहा जाता है। अब विकल्प था बेरा, कुआ, जोहड़। अब जोहड़ तो क्यों कहेंगे अपन, पता ही नहीं अपने को,
जोहड़ ही इसका सही उत्तर था। यानी शेखावाटी जो क्षेत्र है, इस शेखावाटी क्षेत्र में जो अनावृत कच्चे कुएं होते हैं, अनावृत कच्चे कुएं यानी जो आवृत नहीं होते, जिनकी पाल वगैरह पक्की नहीं होती, उन कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है यहाँ पे, जोहड़ कहा। हालांकि ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर जो कुएं हैं उन्हें बेरा कहा जाता है, लेकिन शेखावाटी प्रदेश की शब्दावली में प्रश्न आएगा तो जोहड़ क्या है, यहाँ के कुएं हैं शेखावाटी प्रदेश। इसी शेखावाटी प्रदेश में दोस्तों याद रखिए, कुछ एक रन है, बोले तो दलदली क्षेत्र। रन के अंदर कौन सा रन है, क्या है यहाँ पे रन में, अभी बताया आपको डिडवाना डिगाना कुचामन ये तो कहां पे है, ये रन तो आपके नागौर में, लेकिन शेखावाटी प्रदेश के अंदर। उसके अलावा चूरू के अंदर रन है, चूरू के अंदर ताल छापर नाम का मुख्य, ताल छापर नाम का मुख्य, ताल छापर भी है, पडिहारा भी एक रन है। ताल छापर पडिहारा दोनों रन कहां पे है, तो अपना उत्तर आएगा शेखावाटी प्रदेश में, और शेखावाटी प्रदेश में स्पेशल कहां पे, तो आपका उत्तर आएगा चूरू के अंदर ताल छापर और पडिहारा। उसके बाद में आगे चलते हैं, रन के बाद में यहां एक शब्द और आता है चोभी। चोभी क्या है, ये जोहड़ जो होते हैं इनका जो गहरा भाग होता है जहां अंत तक पानी बना रहता है, नमी बनी रहती है, उस भाग को क्या कहा जाता है, चोभी कहा जाता है। फिर उसके बाद में इसी क्षेत्र में एक और शब्द आता है सर। सर क्या है, सर क्या है, तो सर है क्या, ऐसा क्षेत्र जहां पानी का जमाव होता था मरुस्थल के अंदर, सर का मतलब सरोवर वैसे पानी से, और उसी सर में जहां जहां बस्तियां बस गई, जहां जहां लोग रहने लग गए, उसी के आधार पर शहरों के नाम, गांव के नाम, साला सर, कोला सर, मोला सर, पार्वती सर, सोपा सर, मलसी सर, बहुत सारे सर ही सर है। सर का मतलब एक पानी का क्षेत्र जहां पे धीरे धीरे बस्तियों का जमाव हुआ, वो ही सर की बात कर। उसके बाद में जैसे आगे चलते हैं तो अपने पास आता है शेखावाटी जो प्रदेश है, इसके जस्ट नीचे वाला प्रदेश कौन सा है, नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि से क्या प्रश्न बना सकते हैं अपन, नागौरी उच्च भूमि का विस्तार कहां पे, मुख्यतः कौन से जिले में, नागौर, मुख्य रूप से कौन से जिले में, नागौर। नागौर के साथ साथ ये कुछ इसका भाग अजमेर के अंदर भी, कुछ थोड़ा मोटा भाग इसका पाली के अंदर। अब नागौरी जो उच्च भूमि, इसकी क्या मुख्य बात, पहली बात यहां पे हरे कबूतर पाए जाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बात है, हरे कबूतर कहां पाए जाते हैं, हालांकि हरे कबूतर सरिष्ठा में भी पाए जाते हैं, और हरे कबूतर अगर मरुस्थल के प्रदेश की बात की जाए तो नागौरी उच्च प्रदेश या उच्च भूमि में पाए जाते हैं। दूसरी यहां क्या बात है, यहां से विशेष रूप से बनने वाला प्रश्न, नागौरी जो उच्च भूमि है, इस उच्च भूमि में पानी के अंदर फ्लोराइड की समस्या है। पानी में किसकी समस्या है, फ्लोराइड की, और पानी में फ्लोराइड की जो समस्या है, उस फ्लोराइड की समस्या के कारण, किसके कारण, इस फ्लोराइड की समस्या के कारण, मैं इधर लिख देता हूं, फ्लोराइड की समस्या के कारण फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, फ्लोरोसिस। और मित्रों ये जो फ्लोरोसिस रोग है, इस रोग के कारण, कौन से रोग के कारण, फ्लोरोसिस रोग के कारण दांतों में पीला, दांतों में पीला, हड्डियों में टेढ़ा, दांत है वो पीले हो जाते, हड्डियां हैं वो टेढ़ी हो जाती, हड्डियों में टेढ़ा, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, व्यक्ति का शरीर है वो कुबड़ जाता है, बांका हो जाता है, और इन सभी विशेषताओं के कारण, इन सभी विशेषताओं के कारण, चाहे वो दांतों का पीलापन है, चाहे वो हड्डियों का टेढ़ापन है, चाहे वो कुबड़पन है, चाहे बांकापन है, इस पूरे के पूरे बेल्ट को नाम दे दिया जाता है कुब्बड़ पट्टी का। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि कुब्बड़ पट्टी का क्या है, तो आपका उत्तर आएगा कुब्बड़ पट्टी का एक नागौरी उच्च भूमि का वो क्षेत्र है जहां पानी में फ्लोराइड की समस्या है, और फ्लोराइड की जो समस्या है, उस फ्लोराइड की समस्या से फ्लोरोसिस रोग होता है, और उस फ्लोरोसिस रोग से दांतों के अंदर पीलापन, हड्डियों में टेढ़ापन, कुब्बड़पन, बांकापन आ जाता है, और इसी कुबड़पन के कारण, इसी बाकेपन के कारण इसे कहा जाता है क्या, कुबड़ पट्टी। कौन सी पट्टी, कुबड़ पट्टी। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाता है
कुपड़ पट्टी का विस्तार कहां पे है? आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाता है। बांका पट्टी का विस्तार कहां से है? आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाता है। हॉर्न्स बेल्ट का विस्तार कहां पे है? तो दोस्तों प्यारे साथियों, आपका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा नागौर और अजमेर के। हॉर्न्स बेल्ट कहां पे है? हॉर्न्स बेल्ट नागौर और अजमेर के। अगर आपसे सिंगल डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाता है तो आपका उत्तर आएगा नागौर। अगर अकेला जिला पूछा जाए तो उत्तर नागौर आएगा, और अगर दो जिले साथ में पूछे जाते हैं तो आपका उत्तर आएगा नागौर और अजमेर। कौन सा बेल्ट? हॉर्न्स बेल्ट, बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी। पहले लगभग कुबड़ पट्टी आता था, लेकिन जब आप किसी ने देखा कि ये तो लोग करने लग गए, तो अब की बार एक नया शब्द डाल दिया, बांका पट्टी। तो भाई साहब बांका पट्टी भी वही है, कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी, हॉर्न्स बेल्ट एक ही बात है। इससे दांतों के अंदर पीलापन, हड्डियों के अंदर टेढ़ापन, कुबड़पन, बांकापन, दांत बिल्कुल पीला हो जाते हैं, भले मर्जी सेंसोडाइन से रगड़ते रहो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहका बह पीड़ा पीड़ा कई लोग देखोगे कोई दांत देखो पीड़ा भी को दोष बने, और दोष है बच्चे का पानी में फलो रहे, जोड़ में दर्द, कोहने में, कहीं भी, कलाई में, घुटनों में, कमर में दर्द ही दर्द, कौन सी समस्या के कारण फलो रहे। अब इस नागौरी उच्च भूमि में ये वाला प्रश्न बन गए, इसके ठीक नीचे कौन सा प्रदेश है? इसके ठीक नीचे ये वाला जो प्रदेश है इसे कहा जाता है लूनी बेसिन। अब दोस्तों यहां एक प्रश्न और बने, लूनी बेसिन का ही दूसरा नाम है गोड़वाड़ प्रदेश। अगर आपसे ये प्रश्न आ जाता है कि गोड़वाड़ प्रदेश किसका हिस्सा है, तो वो भी अर्ध शुष्क मरुस्थल का ही हिस्सा है। लूनी बेसिन, लूनी बेसिन को भी क्या कह रहे हैं? गोड़वाड़ प्रदेश कह रहे हैं। गोड़वाड़ प्रदेश का विस्तार किन जिलों के अंदर है? अगर दो जिले पूछे जाए आपसे तो आपका उत्तर आएगा बाड़मेर और जालौर। हालांकि पाली के अंदर भी इसका भाग है, लेकिन मुख्य रूप से जो दो जिले हैं वो है बाड़मेर और जालौर। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश है, अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश है, इसके पूर्व के अंदर क्या है? अरावली है, साथ में 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है। इसके पश्चिम के अंदर क्या? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इसका पहला ही पहला जो है वो क्या है? घग्गर बेसिन। आप आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला पहला कौन सा बेसिन है? घग्गर बेसिन है, जो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर। दूसरा आपका बात करें शेखावाटी प्रदेश, जिसे आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ एक शब्द है बीड, बीड़ का मतलब यहाँ की जो घास भूमि है इसे क्या कहा जाता है? बीड़ कहा जाता है। जोहड़ है, जोहड़ यहाँ के कुएं हैं, यहाँ अनावृत कच्चे कुएं पाए जाते हैं, और उन अनावृत जो कच्चे कुएं उन्हीं को क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है। और जोहड़ का जो गहरा भाग है उसे चोभी कहते हैं। रन है वो आपका नमकीन दलदली क्षेत्र है, उसके बाद में सर देखिए पन्ने बहुत सारे, नागौरी उच्च भूमि, हरे कबूतर पाए जाते हैं यहाँ पे, फ्लोराइड की यहाँ समस्या है, फ्लोराइड की समस्या से दांतों में पीलापन, हड्डियों में टेढ़ापन, कुबड़पन, बांकापन। हॉर्न्स बेल्ट, बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी, नागौर और अजमेर दोनों जिलों में। एक जिला पूछा जाता है तो आपका उत्तर आ जाएगा साथियों, अगर एक जिला पूछा जाए तो आपका उत्तर आएगा नागौर, और अगर दो जिले पूछे जाते हैं तो आपका उत्तर आ जाएगा नागौर व अजमेर दोनों। अगर दो जिले पूछे जाए तो नागौर व अजमेर दोनों। अब बात की जाती है कि सबसे ज्यादा प्रभावित गाँव कौन सा है, तो सबसे ज्यादा प्रभावित गाँव आता है प्रवस्तर तहसील के अंदर, वो आता है आश्रवा नाम का एक गांव है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित इस समस्या से। अब बात करते हैं अपन, ये अपना हो गया अर्धशुष्क, अब मरुस्थल से बनने वाले जो कॉमन प्रश्न है उनकी अपन लोग चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के साथ, अपनी मुहिम में इसको बढ़ा दीजिए। आप ही का परिवार, आपके परिवार को आपको बढ़ाना ही होगा, तब जाके अपने परिवार में बहुत सारे सदस्य होंगे, और जब बहुत सारे सदस्य हो जाएंगे साथियों तब परिवार का एक साथ रहने में आनंद ही और होगा। अब बात करें साथियों मरुस्थल की, अपन ने पिछले तीन क्लासों में चर्चा की, ये अपना मरुस्थल है पूरा का पूरा। पहली बात कॉमन प्रश्न बन रहे, मरुस्थल जो है ये कौन से मरुस्थल का भाग है? थार के मरुस्थल का। थार का मरुस्थल कितने जिलों, कितने देशों में फैला हुआ है? थार का मरुस्थल दो देशों, एक भारत में, एक पाकिस्तान। अब यहां आज के लिए आपका चैलेंज प्रश्न बन रहा है, थार का मरुस्थल है उसके कुल क्षेत्रफल का
भारत में कितना प्रतिशत है और पाकिस्तान में कितना प्रतिशत। चैलेंज प्रश्न क्या है, थार के मरुस्थल का भारत में कितना प्रतिशत है, पाकिस्तान में कितना प्रतिशत। दूसरी बात, भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है और उन राज्यों के अंदर कितना कितना प्रतिशत है। या एक प्रश्न तो ये कर लेना, दूसरे वाले को छोड़ देना, भारत में कितना प्रतिशत, पाकिस्तान में कितना। अब भारत के कितने राज्यों में, चार राज्यों, एक राज्यों में राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा और हरियाणा के बाद में गुजरात, ये चार राज्य। और चारों में सर्वाधिक जो फैला हुआ है वो कहां फैला हुआ है, राजस्थान। राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है, 12 जिले। कितने जिलों में, 12 जिले। अब ये 12 जिले हैं कौन से, अगर जिले पूछे जाए 12, संभाग पूछे जाए, राजस्थान के कितने संभाग में मरुस्थल है, 4 संभाग, कौन कौन से। एक तो साथियों यहां आता है बीकानेर संभाग, कौन सा संभाग, बीकानेर। एक संभाग इधर से आता है साथियों जोधपुर संभाग, एक साथियों इधर से आ जाता है अजमेर संभाग, और एक साथियों ये आ गया जयपुर संभाग। बीकानेर संभाग के सभी 4 जिले, बीकानेर संभाग के सभी 4 जिले, जिले याद नहीं तो मैप लेके आता है प्लीज। इन 4 जिलों के अंदर श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, चूरू। मैं लिख देता हूं कौन कौन से जिलों में मरुस्थल फैला। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, 4 जिले हो गए। जयपुर संभाग से 2 जिले, जयपुर संभाग से कितने जिले, 2 जिले। उन 2 जिलों के अंदर कौन से जिले हैं, 2 जिलों में कौन से जिले हैं बताएं जरा। 2 जिलों में एक जिला आ जाएगा सीकर और दूसरा जिला झुंझुनू, सीकर और झुंझुनू। अजमेर संभाग से 1 जिला है, ये जिला कौन सा है, नागौर। और जोधपुर संभाग से 5। जोधपुर में टोटल है कितने, 6, और 6 में से आप लोग सिरोही को छोड़ दीजिए, 6 में से आप लोग किसको छोड़ देंगे, सिरोही को छोड़, सिरोही को जब छोड़ देंगे तो बच गए 5, 5 में जोधपुर, जैसलमेर, पाली, जालौर, बाड़। यानी कुल मिला के याद रखना है कि इन 12 जिलों के अंदर मरुस्थल फैला। अगली बात याद रखना, 5 जिले और भी हैं जहां तक ये मरुस्थल फैल सकता है। 2013 की एक रिपोर्ट बता रही है बात, मैं नहीं बता रहा, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। कौन से 5 जिलों, इन 5 जिलों में जयपुर भी आ जाएगा, इन 5 जिलों में अलवर भी आ जाएगा, अजमेर भी आ जाएगा, राजसमंद का भी कुछ हिस्सा आ जाएगा, सिरोही आ जाएगा। अभी तक लेकिन 12 ही जिले। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि मरुस्थल अभी तक कितने जिलों में फैला हुआ है, तो साथियों आपका जो उत्तर आ जाएगा कि मरुस्थल है ये कितने जिलों में फैला हुआ है, मरुस्थल है ये 12 जिलों के अंदर फैला हुआ। कितने जिलों में फैला हुआ मरुस्थल, 12 जिलों के अंदर आपका मरुस्थल है ये फैला हुआ। अब फिर प्रश्न बनेगा अपना कि 12 जिलों के अंदर मरुस्थल फैला हुआ, चलो ठीक बात है, संभाग कितने हैं, 4 है। संभाग कितने अपने, 4, 4 में से बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, जयपुर संभाग, अजमेर संभाग, ठीक बात। अब ये जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल में
हटा देता हूं। इस मरुस्थल के अंदर एक प्रश्न बनता है, इसकी लाइफ लाइन क्या है? इसकी जो लाइफ लाइन है मरुस्थल की जीवन रेखा, ये कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। ये जो अपना मरुस्थल है इसका ढाल किधर है? ढाल श्लोक, इसका ढाल उत्तर से तो दक्षिण में है। इसका ढाल किधर से किधर है? ये उत्तर है। इस उत्तर से किधर है इसका ढाल? दक्षिण। तभी तो जो नदियां हैं ये अपने पश्चिमी राजस्थान में, चाहे लूनी की बात कर ले अपन, वो लूनी नदी किधर बहती है? क्यों? क्योंकि इसका ढाल उत्तर से किधर है? उत्तर से दक्षिण की। दूसरा, इसका ढाल पूरब से किधर है? पश्चिम में है, या पश्चिम से किधर है? पूरब। तो अपना उत्तर आएगा इसका जो ढाल है ये पूरब से है। पूरब से किधर है? पश्चिम में। तो जिधर जिधर तीर का निशान देख रहे हैं उधर उधर क्या है? ढाल है। पूरब से पश्चिम में और उत्तर से दक्षिण। किसका ढाल है भी? तो अपना उत्तर आएगा मरुस्थल का ढाल। मरुस्थल जो है इसकी लंबाई कितनी? लंबाई बोले तो उत्तर से दक्षिण की ओर ये कितनी लंबाई में फैला हुआ है? उत्तर से दक्षिण अगर बात करते हैं तो ये 740 किलोमीटर लंबी एक पेटी के रूप में। अगर बात करें इसकी चौड़ाई, यानी पूरब से पश्चिम में इसकी चौड़ाई कितनी है, तो पूरब से पश्चिम में इसकी जो चौड़ाई है वो है 300 किलोमीटर। लंबाई है 640 किलोमीटर, चौड़ाई है 300 किलोमीटर। यानी मैं यूं कह दूं ऐसे है, ये वाला 640 है, ये वाला 300 किलोमीटर। मरुस्थल प्रदेश के अंदर वनस्पति है उसकी कमी है, जनजीवन अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है, पहले नहीं था। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए ईश्वरी प्रसाद ने, किसने? ईश्वरी प्रसाद ने, ईश्वरी प्रसाद ने अपने इस वाले प्रदेश को किसकी संज्ञा दी? रुक्ष प्रदेश की संज्ञा दी। प्रश्न फिर बना, अपना ये जो मरुस्थल है ये मरुस्थल अवशेष किसका? तो अपना क्या उत्तर बना था? हेथी सागर। मतलब क्या पहले यहां पे सागर था? बिल्कुल यहां सागर था। फिर सागर गया कहां? सागर गया कहां? सागर तो था यहां, सागर गया कहां? इसको एक सीधे उदाहरण से समझिए। आपके घर के बाहर बारिश के टाइम में खड्डे में पानी भर जाता है। अब वो पानी वहां है, पानी पीछे कब जाएगा? जब अपन रेत की एक दो ट्रॉली गिरा देते हैं वहां पे, वे अपन ने दो ट्रॉली डला दी वहां, उन दो ट्रॉली मिट्टी के अपन ने जैसे डलाई, उसके बाद में पानी वो पीछे हटा, हटा के नहीं हटा। वो ही कारण यहां रहा। जैसे यहां सागर था, जैसे जैसे मरुस्थलीकरण बढ़ता हुआ, जैसे जैसे अफ्रीका वाला अरब वाला मरुस्थल बढ़ता रहा, उसी का तो भाग है। अफ्रीका के मरुस्थल का ही भाग अपना थार का मरुस्थल है। जैसे जैसे वो आया वैसे वैसे समुद्र है ये पीछे हटा। यानी अपन यूं कह सकते हैं समुद्र के अपगमन से यहां पे क्या बन गया? समुद्र के अपगमन से यहां पे मरुस्थल का निर्माण हो गया। तो ये यहां कुछ एक फैक्ट की बात कर रहे थे अपन कि कितने संभाग में फैला हुआ है, 4 में, कितने जिलों में फैला हुआ है, 12 में, ढाल किधर से किधर है इसका, उत्तर से दक्षिण है, पूर्व से पश्चिम है, इसकी लंबाई कितनी है 640 किलोमीटर है, इसकी चौड़ाई कितनी है 300 किलोमीटर है। ईश्वरी प्रसाद ने इस प्रदेश को क्या नाम दिया है? ईश्वरी प्रसाद ने इस प्रदेश को रुक्ष प्रदेश का नाम दिया है। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बाकी अपन और भी यहां बात कर सकते हैं, जैसा कि दोस्तों अपन ने यहां बात की थी कि यहां बहुत सारे युगों के अवशेष मिले हैं जिनसे पेट्रोलियम निकालते हैं अपन लोग। जुरेसिक है, क्रिटेशियस है, ईओसीन काल है, उस समय यहां टेथिस सागर था और उस टेथिस सागर के प्रमाण यहां जो जीवाश्म है उनसे पुष्ट हो रहे हैं। फिर उसके बाद में बात आती है कि अपना जो ये थार का मरुस्थल है
इस थार के मरुस्थल में चार लंबवत टुकड़े और बन जाते हैं। कितने टुकड़े? चार लंबवत टुकड़े और बनते हैं। कौन से हैं? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। उन चार टुकड़ों की भी अपन लोग बात कर लेते हैं। वो चार टुकड़े हैं कौन कौन से, स्क्रीनशॉट ले लिया फटाफट जल्दी से किसका। अब जो ये चार टुकड़े हैं, इन चार टुकड़ों के अंदर गौर करें, देखिए इन चार टुकड़ों में एक नंबर पे आता महान मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? महान मरुस्थल। अब महान मरुस्थल के बाद में एक आता है लघु मरुस्थल, एक आता है चट्टानी मरुस्थल और एक आ जाता है अर्धशुष्क। यानी मरुस्थल जो है इसका उच्चावचीय दृष्टि कौन से, अगर ये पूछा जाए कि आप लोग वर्गीकरण करें, तो मैं यहाँ पे एक बार मरुस्थल बना लेता हूं। ये आप देख रहे हैं और ये पूरा राजस्थान नहीं बनाएंगे तो ये मरुस्थल बना। अब ये वाला जो डेजर्ट है, ये वाला, इसे कहते हैं महान मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? महान मरुस्थल। महान मरुस्थल के बाद में इसके सहारे एक पट्टी का है लघु मरुस्थल, फिर एक पट्टी का है चट्टानी मरुस्थल और फिर ये जो पट्टी का है ये है अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो महान मरुस्थल, लघु मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। एक और चलो चैलेंज प्रश्न दे देता हूं मैं कि ओकल वुड फॉसिल्स पार्क, जैसलमेर के किस दिशा में है? जैसलमेर के किस भाग में है? और इसका सही जवाब दिशाओं में, जैसे उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, याद दें। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज के लिए इतना काफी है। कल के वीडियो में अपन लोग चर्चा करेंगे अरावली, देखना बिल्कुल भी मत भूलना। अरावली है, बहुत सारे प्रश्न बनेंगे इससे, और अरावली के अंदर तो इतने ज्यादा कॉन्सेप्टुअल प्रश्न है कि अपन एक एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से देखते चलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मिलते हैं नए वीडियो।